हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब कोई अच्छे ही होंगे। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता ही होगा ये जो मैंने साड़ी पहना हुआ है ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही सेम फैब्रिक यूज़ करके बनाया हुआ है इस तरह का सुंदर सा एक क्लच बैग। तो ये जैसे साड़ी हमारा पार्टी वेयर है तो इसके साथ नॉर्मली ब्लैक या ब्राउन कलर का वो हैंडबैग्स अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ये सुंदर सा मैचिंग सा एम्बेलिश सा क्लच बैग बनाया हुआ है। और इसे आप स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे वीडियो ये कैसे बनाया हुआ है। सबसे पहले पर्स का बेस बनाने के लिए मैं ये पुराना सा फाइल फोल्डर यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल था पहले से ही। तो इसका विड्थ हम लोग सबसे पहले मेजर कर लेंगे 8.5 इंच और इसका लेंथ लेंगे हम लोग 19.5 इंच और इसे कट कर लेंगे। तभी फ्लिप कवर जो हमारा बनेगा वहाँ उसके लिए हम लोग ये कॉर्नर ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। इसी सेम मेजरमेंट में हमें रेडी चाहिए मेरी मेन फैब्रिक, तो इच साइड से हम लोग 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। सेम मेजरमेंट में हम लोग ये पेपर बकरम ले लेंगे और इसे आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से ये पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो देखिए मैंने ये मार्क कर लिया है पहले से ही 0.5 इंच ईच साइड से, ताकि हम लोग एम्ब्रॉयडरी इधर उधर डिस्प्लेस ना हो। तो देखिए अच्छी तरह से ये हमारा ड्रेस हो गया है। तो मैं ये जो पर्स बना रही हूँ इसे मैं कलर कॉम्बिनेशन जो मेरा साड़ी का कलर है वही सेम कलर कॉम्बिनेशन में मैं मोतियाँ यूज़ करके इसे डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन आप चाहें तो इसे पेंट कर सकते हैं या फिर रेडीमेड जो लेसेस होता है वो उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इसे। नॉर्मली हम लोग कोई भी पार्टी वेयर एथनिक वेयर खरीदते हैं तो उसके साथ इच मैचिंग का हमें पर्स खरीदना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, तो क्यों ना आप खुद से डिज़ाइन करें। इससे आपका मैचिंग भी हो जाएगा और आपको पकड़ने के लिए अच्छा भी लगेगा और आपको दूसरों से ये अलग भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सेम पैटर्न ऑफ एम्ब्रॉयडरी ही यूज़ कर रही हूँ, बस मोती डाल रही हूँ और हमारा जो डिज़ाइन है ट्रेसिंग जो हमने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बस इसे बनाते जा रही हूँ। तो देखिए हमारा एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी सेम हम लोग इसका लाइनिंग कट कर लेंगे, इसका एक्स्ट्रा हम लोग 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर हम लोग देखिए 8 इंच का हम लोग मेन फैब्रिक में मार्क करेंगे और कट करेंगे सिमिलर 0.5 इंच एक्स्ट्रा फॉर स्टिचिंग इच साइड से। तो देखिए मेरे पास ये प्लास्टिक फोल्डर अवेलेबल था इसीलिए मैंने उसी से ट्राइव के बेसिस में बेस बनाया हुआ है। लेकिन नॉर्मली मार्केट में जो क्लच बैग अवेलेबल होता है उस पर पेपर कार्डबोर्ड का बेस बनाया जाता है, तो मैंने ये यूज़ किया, ये मेरा आउटपुट बहुत अच्छा निकला इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे क्या होगा आपका ये वॉशेबल भी हो जाएगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए इसे हम लोग मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट हमने जो लाइनिंग काटा हुआ था इसे फ्रंट साइड रखेंगे और हमारा ये मेन फैब्रिक को उल्टा रख के हम लोग ये स्टिच कर लेंगे। ये हम लोग कॉर्नर को कट कर लेंगे ताकि हमारा पलटाने में ये आसानी हो। तो देखिए हमारा ये कॉर्नर कितने अच्छे से निकल गया है। तो फिर हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और ये हम लोग लाइनिंग को अपोजिट अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये भी हमारा अभी हमने पेस्ट किया था ये ड्राई हो गया है, तो इसे हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा ये आउटर बेस अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से कट करके इसे पेस्ट कर रही हूँ ताकि हमारा जो कॉर्नर है अच्छी तरह से ये फोल्ड हो पाए। तो ये हमारा देखिए ड्राई हो गया है, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बैठा हुआ है।
तभी हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे मिडिल में मार्क कर लेंगे हमारा स्लिंग के लिए हैंडल बनाने के लिए। देखिए इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक से ये पाइप बनाया हुआ है, इसे हम लोग ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा ड्राई हो गया है तो इसे हम लोग लाइनिंग के साथ अच्छी तरह से स्टिच करेंगे। इससे पहले हम लोग ये मैग्नेट बटन लगाएंगे। तो ये हमारा फिक्स हो गया है, देखिए इसे हम लोग चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। ये हमारा स्टिच हो गया है तो हम लोग इसे साइड बेस बनाएंगे। तो इसे हम लोग इस तरह से मार्क करेंगे, इसका दो कट पीस हम लोग निकालना है। देखिए अभी इसी सेम मेजरमेंट में हम लोग इसका लाइनिंग और मेन फैब्रिक कट करेंगे। सेम वे हम लोगों को 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है स्टिचिंग के लिए। तभी हम लोग लाइनिंग को एंड हमारा मेन फैब्रिक को फेस टू फेस रखेंगे और इसे तीनों साइड से स्टिच कर लेंगे। ऊपर का बेस हमें ओपन रखना है। देखिए हमारा स्टिच हो गया है तो सेम हम लोग इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नर अच्छे से खुले। इसे हम लोग इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे और ऊपर की तरफ से इसे स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से हल्के हल्के से ग्लू गन यूज करके हम लोग इसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ग्लू गन यूज के साथ जब हमारा ड्राई हो जाएगा तो इसे हम लोग थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे हाथ से ही, ताकि हमारा ज़्यादा सिक्योर हो जाए, क्योंकि पर्स में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें होती हैं तो वो ना गिरे। तो देखिए हमारा इतना सुंदर सा ये क्लच तैयार हो गया कितने आसानी से, और देखिए अंदर भी कितना स्पेसियस है। तो आप इस तरह से इसे क्लच के हिसाब से पकड़ सकते हैं, या फिर मार्केट में हमारे इस तरह का चेन भी मिलता है स्लिंग बनाने के लिए, तो आप ये यूज़ करके स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे दिख रहा है। देखिए ये दिखने में कितना सुंदर और स्टाइलिश लग रहा है और कितना मैचिंग भी है, तो आपको पकड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।